नगर पंचायत टोंजा में निकाली गई कांवर यात्रा, भक्तों ने लगाए बम बम भोले के नारे, भक्तों में देखने को मिली खुशी। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी तहसील बख्शी का तालाब नगर पंचायत टोंजा में निकाली गई कांवर यात्रा, जहां पर एक तरफ लखनऊ ग्रामीण पुलिस प्रशासन दिखा मुस्तैद। राजधानी के थाना टोंजा के क्षेत्र से निकाली गई कांवर यात्रा, कांवर यात्रा के संयोजक संजय सिंह ने बताया कि 7 वर्षों से बराबर ये कांवर यात्रा निकाली जा रही है, जहां पर काफी भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस विषय पर जब कांवर यात्रा के संयोजक संजय सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये 7 वर्षों से बराबर कांवर यात्रा निकाली जा रही है, जिससे कि क्षेत्र की जनता व भोलेनाथ के भक्तों में काफी खुशी देखने को मिलती है, क्योंकि ये भक्त टोंजा से होते हुए बिठूर तक जाते हैं। बिठूर से जल भर करके टोंजा के लिए बम बम भोले के नारे लगाते हुए पैदल ही मस्ती करते आते हैं। सभी भक्तों में काफी भक्ति भाव देखने को मिलती है, क्योंकि ये सभी भक्त बम बम भोले के नारे लगाते हुए मस्ती में चले आते हैं। इस मौके पर थाना टोंजा पुलिस के SI ओम प्रकाश तिवारी, कांस्टेबल दिनेश कुमार उसराना, प्रधान प्रतिनिधि चंद्रिका सिंह, गौरव तिवारी, निर्मल सिंह, अतुल मिश्रा, राजकुमार पांडे, अन्य लोग भी मौजूद रहे। 7 वर्षों से बराबर निकाली जा रही कांवर यात्रा, लोगों में देखने को मिली खुशी। बम बम भोले के नारे भी लगाए गए, जगह जगह पर थाना टोंजा पुलिस दिखी मुस्तैद। क्षेत्र की जनता ने थाना टोंजा पुलिस को दिया कोटि कोटि धन। इस समय मौजूद है लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी तहसील बख्शी का तालाब थाना टोंजा क्षेत्र में, जहां पर 6 वर्षों से जो है कांवड़ यात्रा निकाली जाती है हर सावन के माह में, और यहां पर जो है कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। और हमारे साथ में मौजूद हैं कांवड़ यात्रा के संयोजक संजय सिंह जी, आइए हम उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। जी क्या नाम? नमस्कार संजय। सबसे पहले तो आपका हमारे KPPN न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। जैसे कि ये कांवड़ यात्रा जो है 6 वर्षों से बराबर निकाली जा रही है, आपकी बार 7वीं है, 7 वर्ष हो जाएंगे, तो ये कहाँ से लेकर कहाँ तक जाती है? हम लोग रत्नेश्वर महादेव मंदिर बड़ा शिवाला इटौंजा से चलते हैं जी, बिठूर जाते हैं, बिठूर से फिर सारे कांवड़िए हमारे भाई वहाँ से जला भर करके पैदल यात्रा करके विभिन्न स्थानों पर रुकते हुए इटौंजा आकर के फिर रत्नेश्वर महादेव मंदिर को जला करते हैं। जैसे कि 6 वर्षों से बराबर की जा रही है, इधर से सब लोग जाते हैं और उधर से जो है पैदल यात्रा की जाती है, बम बम भोले के नारे लगाए जाते हैं, तो इससे सभी क्षेत्र की जनता को और जितने लोग जाते हैं भोलेनाथ के भक्त हैं, सब लोग बम बम भोले के नारे लगाते हुए आते हैं, तो इससे आप लोगों को क्या लगता है? काफ़ी उत्साह मिलता है और भोले के जयकारा होता तो न थकान लगती न कुछ लगता, खाली भोले की भोले के मस्ती में सब मस्त रहते हैं। और हमारे साथी हर हर महादेव। और क्या कहना चाहेंगे आप क्षेत्र की जनता को? जैसे कि हमारी क्षेत्र की जनता है, यहाँ पर कितने लोग आपके साथ में जाएंगे? और अपने हम करीब 200 लोगों का जत्था जा रहा है, शासन की तरफ से सुविधाएँ हैं, बहुत लगा हुआ है, आलाधिकारी रहती है और सभी हमारे मित्र हैं, संजीदा वक्त सिंह है, दादा सबके सान्निध्य में यात्रा निकलती, कोई विशेष एक व्यक्ति नहीं है, सबके सान्निध्य में निकलती, सब लोग एकदम बम बम भोले पूरी अपने क्षेत्र गांव जात बिरादरी मजाक से उठकर सारे बिरादरी लोग एकदम उस समय भोले के उसमें रंगे होते हैं, कोई उसमें ये नहीं ना कोई छोटा ना बड़ा, सबसे बड़ा भी सबसे छोटा होता है और सबसे छोटा भी सबसे बड़ा होता है। मैं देखता हूँ कि जैसे कि थाना टोंजा की पुलिस जो है चप्पे चप्पे पर नजर आती है, मुस्तैद दिखती है, तो थाना टोंजा पुलिस की तरफ से जहाँ एक एक जगह गया आपको आगरी थाना टोंजा से भी बात हुई थी और ग्रामीण से भी काफ़ी लोग रहे और काफ़ी सहयोग सुबह से बेचारे सब लोग लगे हुए, बारिश होने के बावजूद सारे लोग लगे रहे और यात्रा में हर संभव मदद करने के लिए उन्हें आश्वासन दे। और कुछ कहना चाहेंगे संजय को? चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से बस भोलेनाथ से यही आशीर्वाद है आपके चैनल के माध्यम से कि क्षेत्र में बम बम हो, बारिश हो, खूब फसल उगे, किसान मस्त हो, नौजवान अपने उसमें हो।